स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पहले लेसन फोर किया था, याद करना है क्लास सेकंड के लिए। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और लेसन नंबर है फोर, लेट्स ऑल प्ले। बच्चों, आप इसकी कुछ एक्सरसाइज कर चुके हो और आप आगे आपकी एक्टिविटी है, देखिए क्या है। बच्चों, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वचन, एक एक वस्तु। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा वस्तु, यानी कि अनेक वस्तुएं। अब देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल है, जैसे बैट, बैट्स। देखो बच्चों, यहाँ बैट मतलब एक बल्ला और बैट्स मतलब ज्यादा बल्ले, तो बैट और बैट्स। बैट्स आपका बैट सिंगुलर है और बैट्स आपका प्लूरल है, तो ये आपने सारे ऐसे चेंज करने हैं। बॉल, बी ए डबल एल, बॉल, बी ए डबल एल एस, बॉल्स। बॉल मतलब एक गेंद और बॉल्स मतलब ज्यादा गेंद। बुक, बी डबल ओ के, बुक, बुक मतलब किताब, एक किताब। बी डबल ओ ए एस, बुक्स, बुक्स ज्यादा किताबें। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, क्या बनेगा आपका? बुक, बुक्स। नेक्स्ट है बी ए जी, बैग। बैग मीन्स आपका बैग, स्कूल बैग, या जिसको आप बस्ता बोलते हो। बी ए बैग, बैग। पेंसिल, पेंसिल्स। टेबल, टेबल्स। डोर, डोर्स। बच्चों, ये सिंगुलर प्लूरल है, ये आपने सभी ने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, हल करना है इसको। और नेक्स्ट आपकी, देखो बच्चों, एक नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, ये आपके पास लिखा है एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू वर्ड आपके पास सर्कल में है और इसको आपने क्या करना है बच्चों? देखो, यहाँ आई एन जी लिखा हुआ है और नीचे आई एम लिखा है, तो आपने इस एस डब्ल्यू वर्ड के साथ नया शब्द बनाना है, एक आई एन जी लगाकर और एक आई एम शब्द लगाकर। देखो, जैसे एस डब्ल्यू आई एन जी क्या बन गया बच्चों? स्विंग। स्विंग होता है बच्चों झूला, स्विंग कहते हैं झूले को। एस डब्ल्यू आई एन जी क्या बन गया आपका? स्विंग। अब नीचे देखो एस डब्ल्यू, अब हमने आई एम इसके साथ लगाना है, तो एस डब्ल्यू आई एम स्विम। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। अब आपका एस पी, एस पी के साथ क्या कंबाइन हो गया? डबल ओ एन, तो एस पी डबल ओ एन क्या बन गया आपका? स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच। अब ये ओ आर टी है, तो एस पी के साथ हम ओ आर टी को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपको? एस पी ओ आर टी, स्पोर्ट। स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट्स, जैसे कोई खेल। एस टी, एस टी के साथ हम क्या ऐड करेंगे? ए वाई, एस टी ए वाई, स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। अब एस टी के साथ क्या जोड़ेंगे? ओ पी, एस टी ओ पी, स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना या ठहरना। एफ एल, एफ एल के साथ यहाँ क्या कंबाइन करेंगे? ए जी। एफ एल के साथ ए जी वर्ड जुड़ गया, एफ एल ए जी, फ्लैग। फ्लैग मीन्स झंडा। एफ एल के साथ यहाँ क्या ऐड करेंगे? ए पी, एफ एल ए पी, फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? फड़फड़ाना। बच्चों, सभी ने ये एक्टिविटी अपनी कॉपी के ऊपर करनी है। थैंक यू बच्चों।